यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रीजनल सिनेमा विच इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि बहुत सेलिब्रिटीज़ है जिनके प्रोडक्शन हाउसेज है लेकिन वो लोग बॉलीवुड मूवीज़ में यू नो इन्वेस्ट करते हैं. आप यू नो यू आर ट्राइंग टू पुश मोर ऑन रीजनल सिनेमा, इफ़ यू कुड टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट, व्हाई? वेल, एज अ प्रोडक्शन हाउस फॉर बोथ माई मदर एंड मी, इट वॉज वेरी न्यू. And being able to work with wonderful actors like this and give opportunities to actors who want to do good work, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है मुंबई में ही, आप देख लें जहाँ हम लोग रहते हैं पूरी इस हमारे देश में, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. तो द रीज़न फॉर एंड स्पेशली रीजनल सिनेमा को वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना या वो पोजिशनिंग देना, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वहाँ से भी कहानियाँ कितनी खूबसूरत आती हैं. चाहे आप हर स्टेट मर जाएँ या आप, जैसे हमने अभी फिल्में बनाई, हम एक सिक्किमीज़ फिल्म बना रहे हैं, हमने मराठी फिल्में दो बनाई हैं, हम भोजपुरी बना रहे हैं, हम पंजाबी बनाई हैं, हमने हम बंगाली बना रहे हैं, ऑफकोर्स हिंदी भी डेवलप हो रही है, इंग्लिश भी डेवलप कर रहे हैं हम. एज अ प्रोडक्शन हाउस हमने काफ़ी वक्त बिताया है फॉर द लास्ट 1-2 ईयर्स इन ट्राइंग टू सी न्यू थिंग्स टू डिवेलप. सो हमारा डिवेलपमेंट प्रोसेस ऑफकोर्स चालू है एंड दैट विल, आई डोंट नो वेन दैट विल हैपन, but hopefully I will do, of course I want to do Hindi films, but it has to be the right one. Meri har film ke liye wo right hona zaruri hota hai. So we are working on things. Let's see when I'll be able to do Hindi, English. We're working on all. Abhi jaise aapne mention kiya ki aap Punjabi film bana rahi hai, Marathi film to hai hi hai. Iske saath saath humne dekha hai ki aap North East region se bhi related kai filmein bana rahi hain. Jana chahte hain ki is region ki taraf aapka rujhan kab aaya aur यहाँ के फिल्मों को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह से आप आगे बढ़ने वाली हैं? वेल, एक्चुअली मैंने बहुत वक्त बिताया है, मेरे बड़े पापा, मेरे फूफा पोस्टेड थे गुवाहाटी में, मैं जा चुकी हूँ. जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, आपको पता होगा या नहीं, गुवाहाटी का फैशन सीन बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो मैंने बहुत सारे शोज़ वगैरह भी किए थे. बहुत ही खूबसूरत एरिया है, ऑल द लाइक द सेवन सिस्टर्स, बहुत ही ब्यूटिफुल ऑल द स्टेट्स. लेकिन जब मैं मैरी कॉम कर रही थी और मैं शूटिंग कर रही थी उस फिल्म की, तो और जब मेरी से मेरी बातें हुई और असम गई मैं, तो एक तरह से इग्नोर्ड है वो रीजन हमारे देश का, अनफॉर्चुनेटली. एंड व्हेन आई डिड मेरी कॉम, आई रियलाइज दैट कि व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, एक तरह से इतना बढ़ावा नहीं मिलता है. सो दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू मी टू वर्क विद असम. हमने सिक्किम की फिल्म की है, हम असम की फिल्म कर रहे हैं. ऑफकोर्स मैं एम्बेसडर हूँ उनके, उनके साथ गवर्नमेंट के साथ वी कीप वर्किंग ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल्सो फॉर टूरिज्म एट्सेट्रा. अभी रिसेंटली फ्लड्स भी हुए थे, सो वी हैव बीन इन कॉन्वर्सेशंस अबाउट व्हाट वी कैन डू. तो विच हैपन्स एवरी ईयर इन असम, लेकिन यू नो देर इज समथिंग दैट देर इज अ सिस्टम दैट कैन बी ब्रॉट इन. तो मेरे लिए जस्ट माई हार्ट has always been very close to mera thoda soft heart hai to jab mujhe aisa feel laga when I went to the northeast and I felt like it's a very important part of India and they should be given that kind of encouragement.